जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आप कहां से इस सीरीज को देख रहे हैं और इस सीरीज को देखने से आपको कितना बेनिफिट होता है। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी आपके एसएसबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्क्रीन इन हुए तो डेफिनेटली वहां पर 5 डेज आपको वो सब परफॉर्म करने का मौका मिलता है जो कुछ आपने सीखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पीपीडीटी का। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, 30 सेकेंड्स तक पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद में इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में आपके माइंड में जो कुछ आइडियाज आते हैं, जो कुछ थीम आती है, उस थीम को लेकर के आप अच्छी सी स्टोरी लिख डालिए। स्टोरी जब आप लिखोगे तो ध्यान रहे कुछ ना कुछ एक्शन उसके अंदर होना चाहिए और वो एक्शन करने वाले आप खुद ही हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के हमारे इस पीपीडीटी में, पीपीडीटी को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, 1 अक्टूबर से एसएसबी इंटरव्यू का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इस बैच के लिए रजिस्टर करा सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। तो देखिए बच्चों, इस पिक्चर को देखें तो यहां पर हमें एक ऐसा सीन दिख रहा है जिस सीन से हम भाग नहीं सकते। आपको देखना है यहां पर कि या तो आप इसको ये बस है या फिर एक मिनी ट्रक है जो कि टर्न कंडीशन में पड़ा हुआ है। ये तांगा भी एकदम उल्टा पड़ा हुआ है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बच्चों ये 5 कैरेक्टर हमें यहां दिख रहे हैं, आपको रियल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। यू शुड नॉट गो अवे फ्रॉम द रियल सिचुएशन। कई बार क्या होता है, बंदा इस तरह का सीन जब देखता है उसको ड्रामा और ये सब मूवी वगैरह लिख करके एक्टिंग झाड़ने की कोशिश करता है। बच्चों अगर ये मूवी है तो फिर आपने क्या किया, और अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस मदरलैंड के लिए। तो आइए स्टार्ट करें कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन पिक्चर कितने हैं भाई, 5 हैं। मेन आपका हीरो ये है। अभी जो है ना थोड़ा सा टेंस माहौल है तो यहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा कि मूड कैसा है, नेगेटिव है, और एक्शन कैसा है, रेस्क्यूइंग एक्सीडेंट विक्टिम्स। ये थीम लिखिए। क्या थीम लिखोगे, एक्सीडेंट विक्टिम्स को बंदा क्या कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जब हम देखें बच्चों कि जो विक्टिम्स हैं इनमें से ये बंदा उठने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी ऑलरेडी उठ के देख रहा है कि कुछ गड़बड़, ठीक है, जितना नुकसान होना था हो गया बट ये उठ गया, ठीक है। और ये दो बंदे जो है ना सीरियसली इंजर्ड दिख रहे हैं। तो ये बंदा जो आप हो क्या करेगा, ये दोनों तो पूछते हाल चाल भाई ठीक है, आपको यार चोट तो लगी, चलो बैठो चुपचाप। अभी ये जो दो लोग हैं इनको हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इनको सीरियस इंजुरी हुई हो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या आपकी स्टोरी के अंदर हो सकता है। अश्विन 19 ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, व्हाइल गोइंग टू कॉलेज सा दैट अ मिनी ट्रक हिट ए कार्ट बैडली। अश्विन 19 साल का लड़का है, कॉलेज जाता है, कॉलेज जाते टाइम देखता है कि एक कार्ट को एक मिनी ट्रक ने हिट कर दिया और हिट बड़ा बैडली किया क्योंकि दोनों पलटे हुए। अब बच्चों इसके पलटने के पीछे क्या कहानी है, उस कहानी पर हमें नहीं जाना है कि पहिया पंक्चर हो गया था, वहां एक बड़ा सा गड्ढा था इस वजह से, आप तो सिर्फ कि वहां ये टक्कर हुई है, किस वजह से हुई वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टक्कर होने के बाद जो विक्टिम्स है वो हमें वहां दिख रहे हैं। तो एंड ड्राइवर रहे ना, जैसे टक्कर हुई तो जो ड्राइवर था वो भाग गया है। अश्विन रश्ड टू देम, अश्विन जो है वहां दौड़ करके जाता है, इंक्लूडिंग कार ड्राइवर, 4 पीपल वर देयर, है ना, कार ड्राइवर को मिलाकर के वहां पर 4 लोग थे। 2 ऑफ देम वर सीरियसली इंजर्ड, और उनमें से 2 जो थे ना बड़े सीरियसली इंजर्ड थे। ही गेव देम फर्स्ट एड विद हेल्प ऑफ हिज हैंकी एंड अवेलेबल मींस, उसका रुमाल और जो कुछ उसके पास वहां था उससे उनको फर्स्ट एड देता है। एंड अरेंज ए पासिंग व्हीकल टू ब्रिंग देम हॉस्पिटल, और वहां पास ही से जो व्हीकल जा रहे थे उनमें से किसी एक को अरेंज करता है, भाई रुको इनको ले चलो। अगर आप एम्बुलेंस को फोन लगाओगे, एम्बुलेंस कब फोन लगेगा, कब वहां ड्राइवर अलर्ट होगा, वो यहां तक आएगा, काफी टाइम हो चुका होगा। एक्सीडेंट विक्टिम है, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है इनको हेल्प मिलना चाहिए। तो वो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए अरेंज करता है। ही ऑल्सो टोल्ड वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स टू टेक केयर ऑफ विक्टिम्स बिलोंगिंग्स, जो जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है वहां उनका कुछ सामान भी था, वो एक बंदे को कहता है भाई इनके सामान की देखभाल करना, टेक केयर करना इनके बिलोंगिंग्स की, एंड हैंडेड ओवर टू देयर रिलेटिव्स, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है डेफिनेटली थोड़े बहुत टाइम के बाद रिलेटिव्स वहां आएंगे ही, भाई इनका देखभाल करना और इनको इनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देना। विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल ही ब्रॉट देम टू हॉस्पिटल, और दूसरे लोगों की मदद से उनको वो जो व्हीकल्स आता है उसमें अंदर उनको बिठाता है, सुलाता है और इनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इनिशियली द कंडीशन वॉज सीरियस, डॉक्टर्स ट्रीटेड देम इंजर्ड पीपल। इनिशियल चूंकि एक्सीडेंट हुआ था तो ट्रॉमा था, सीरियस
सिचुएशन थी, कंडीशन बड़ी वर्स्ट थी। डॉक्टर्स जो है ट्रीट करते हैं, पीपल गोट रिलीफ फ्रॉम पेन, लोगों को अपने दर्द से राहत मिलती, अब थोड़ा सा कंडीशन स्टेबल होती है। ये सब देखने के बाद रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स थैंक्ड अश्विन, क्योंकि अश्विन अगर शायद वहां पर नहीं होता तो वो जो विक्टिम्स थे और ज्यादा देर तक परेशान हो सकते थे। अश्विन ने अपनी अलर्टनेस के साथ इनको सिस्टमेटिक वे में हॉस्पिटल पहुंचाया, बिलोंगिंग्स की भी केयर करी। इतना सब रोल ही आपको प्ले करना है। अब इसमें जबरदस्ती ब्लड डोनेशन नहीं करना है, आपको जबरदस्ती थाने में FIR करने नहीं जाना है, भाई एक्सीडेंट हुआ है आप किसी को लेकर हॉस्पिटल जाओगे ना। इस तरह के हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली वहां पर एक प्लेटफॉर्म होता है कि कोई ना कोई वहां पर MLC के लिए आ जाएगा। बड़े हॉस्पिटल्स में तो पुलिस भी वहीं रहती है, तो आपको वो अननेसेसरी टास्क नहीं करना है। टास्क क्या है, एक्सीडेंट देखा है, विक्टिम्स को बचाना है, दैट्स इट। इतना काम अगर आप कर गए आपका काम हो गया। बच्चों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही आप कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कौन बच्चा इस वीडियो को कहां से देख रहा है और हमारी एप्लीकेशन जो आ रही है उसके लिए कितने बच्चे एक्साइटेड है, ये भी जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।